हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, जी हाँ, अगहन का इतवार जो होता है वो कब होता है। अगहन जो है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, छठ के बाद, पूर्णिमा के बाद जो है वो अगहन शुरू हो जाता है। संस्कृत में मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, तो अगहन शुरू हो गया है। तो इसमें छठ के एक महीने जब हो जाते हैं तब उठाया जाता है छठ इतवार, जो कि 6 महीने तक चलता है, और फिर जाके 6 महीने बाद उसे बैठाया जाता है। तो उठाया जाता है, तो ये जो है दो पक्ष होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है वो अन्हरिया बोला जाता है आम भाषा में, और कृष्ण पक्ष जो होता है वो इंजोरिया होता है, आई मीन सिल्वर नाइट। तो उसमें ही लोग जो है वो इतवार को उठाते हैं, और इस बार जो इतवार उठाना है वो 27 तारीख और 4 तारीख को, ये दो ही इतवार है जिसमें आप उठा सकते हैं। और उसके बाद इसके जो नियम है वो मैं बताने वाली हूँ। जी, पूरी तरह से छठ की तरह होता है, और छठ का जो साड़ी होता है जो आप पालट पहन के पूजा की हो वही छठ इतवार में पहन के पूजा किया जाता है। तो इसकी जो विधि है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि छठ इतवार कैसे उठाया जाता है। और छठ के बाद इतवार, ये वाला इतवार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आप लोगों को विधि बता देती हूँ। 27 तारीख 2022 रविवार, विनायक चतुर्दशी भी है, आप इस दिन भी उठा सकते हो। और 4 दिसंबर को भी है रविवार, ये है वैष्णव मोक्ष एकादशी है, इस दिन भी आप उठा सकते हैं। नहा खाए के साथ शनिवार को महिलाओं ने अगहन रविवार का व्रत शुरू किया। इस व्रत की महत्ता भी छठ पर्व जैसी है। व्रत को लेकर महिलाओं ने घर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद चावल, चना की दाल, कद्दू व गोभी की सब्जी के साथ पालक का साग बनाया, फिर अन्य की पूजा कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। ऐसी मान्यता है कि रविवार व्रत मार्गशीर्ष अगहन माह से प्रारंभ किया जाता है, जिसका वैशाख मास में समापन होता है। इस बार अगहन माह में मात्र 2 दिन ही रविवार का व्रत शुभ है। अगले रविवार से धनु राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, यानी कि खरमास शुरू हो जाएगा। इसके कारण 27 और 4 दिसंबर वाला रविवार व्रत शुभ है। इस बार रविवार को सूर्यकुंड तालाब पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। छठ पर्व की भांति इस दिन भी कई श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ देकर घरों में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पूजा का सर्वोत्तम समय दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। सूर्य उपासना में रविवार के व्रत का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इस दिन व्रती सरोवरों, तालाबों में भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक भगवान भास्कर को अर्घ देना उत्तम है। छठ व्रत कर चुके या जो पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए ये व्रत अनिवार्य है। संतान सुखदायी के लिए उत्तम है ये व्रत। इस व्रत की महत्ता भी छठ की तरह है। इस पर्व से भी चर्म रोग, रक्त विकार से निदान और संतान सुखदायी के लिए उत्तम है। रविवार को अर्घ देने के बाद एक ही बार अन्न ग्रहण करें। अगहन का इतवार में बहुत लोग अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जो छठ का साड़ी होता है वो पहनती हूँ, और सारे लोग पहनते हैं। और उस दिन नहा के शाम 3 बजे हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद एक ही बार खरना किया जाता है। इसमें है कि अर्घ देने के बाद ही आप एक सांस खाते हो, उसके बाद फिर अगले मॉर्निंग में नहा धो के पूजा करके ही खाया जाता है। और हमारे जो मेरे जो ससुराल में है वो खीर बनता है, और मेरे मायके में मेरी मम्मी जो है वो चूड़ा का भोग लगाती हैं, चूड़ा दूध का, और वो भी उसी तरह से करती हैं। मेरी मम्मी जो है वो अर्घ नहीं देती हैं। तो इस तरह से होता है छठ इतवार का पर्व, जो कि मैं नियम अपने अनुसार भी बताई और जैसे लोग करते हैं वो भी बताई। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।